स्वागत है आपका राधे टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। दिन की महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, कोरबा में दिन भर चली खुदाई के बाद आखिरकार एंकर सलमा सुल्ताना का कंकाल बाहर आया है। पॉलिथिन में पाए गए हैं सलमा सुल्ताना के अवशेष। एंकर सलमा सुल्ताना, उनकी हत्या के मामले में जिस जगह पर खुदाई की गई वहां से सालों बाद शव बाहर निकाला गया, पॉलिथिन में शव पाया गया। 20 फीट की खुदाई के बाद पुलिस ने पॉलिथिन में लिपटे कंकाल को बाहर निकाला। 5 साल पहले हत्या के बाद इस शव को यहां दफनाया गया था। कोरबा के कोहड़िया में 20 फीट की गहराई पर यह शव पाया गया। प्लास्टिक की पॉलिथिन में अवशेषों को भरकर इसे जमीन के अंदर दफना दिया गया था। सालों बाद अब इस कंकाल को 20 फीट की खुदाई के बाद बाहर निकाला गया। कोरबा के कोहड़िया की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ इन हालातों में अवशेष मिले। हमारे सहयोगी सिमरन इस वक्त हमारे साथ कोरबा से है। सिमरन, सालों पहले जो शव यहाँ पर हथियारों ने दफना दिया था, आखिरकार बाहर निकला, कितना समय लगा खुदाई में और जो अवशेष मिले हैं उनकी क्या स्थिति थी? सर, अवशेष जो थे पूरी तरह से सड़ चुके हैं और बोरी में बंद थे, और खुदाई जो थी वो दोपहर से चल रही थी और शाम तक जाके उसका शव मिला है 20 फीट खोदने के बाद। शुक्रिया सिमरन।